शादी बेटा तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे बढ़कर तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे बढ़कर है बेटा डरो मत बताओ कौन है बोलो नमस्ते नंद किशोर जी कैसे हैं आप कैसा हूँ ये तो पता नहीं मगर एक बेटी का पिता होने वाला और अभी अभी मुझे ये पता चला है कि मेरी बेटी ख्याति और आपका भतीजा विशाल ये आप जरा विशाल को लेकर यहाँ तक पहुंच सकते हैं करीब 5 बजे तक इसलिए आप विशाल को लेकर यहां पहुंच सकती हैं क्या 5 बजे तक जी मैं ठीक है मैं विशाल के साथ पहुंच जाऊंगी 5 बजे नहीं मगर है कौन ये आदमी जो बार बार एनके चौहान को धमके दिया जा रहा है देखो ये चित्तौड़गढ़ के शमशान घाट वाली जमीन हमने कानूनी तौर पर ली इसमें मुझे कोई रुकावट नहीं चाहिए कोई परेशानी नहीं चाहिए और पता करो ना ये आदमी है कौन सुनने में आया कुछ मतलब छोटा मोटा सा कारोबार है इसका तो समझाओ ना उसे बात करो नहीं मगर है कौन ये आदमी जो बार बार एनके चौहान को धमके दिया जा रहा है देखो सुनो मेरी बात चाय दे सॉरी सर खड़ा हो जाता हूँ अच्छा ठीक है तो हो गया ना इसमें नहीं क्या बात है बेटा तुम परेशान दिख रही हो सब ठीक है ना उसको देखती है वो क्या ख्याति दादाजी कुछ पूछ रहे हैं बोलो मैं सर इस पर टेक में खड़ा हो गया नहीं सर नंद किशोर किस बात की उसमें करा जब हमने किया था उसमें ऐसी कुछ पूछ रहे हैं बोलो क्या हुआ अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है
डेढ़ बज गए हैं, लड़के वाले 4 बजे तक पहुंच जाएंगे यहाँ पे। नंद किशोर तुम्हें क्या हुआ है, किस बात की जल्दी है तुम्हें? उसका चेहरा तो देखो कितनी परेशान दिख रही है बेचारी, और तुम हो के बस सवाल पे सवाल करे जा रहे हो। बेटा क्या बात है बताओ ना, क्या परेशानी है? नहीं नहीं उसके बाद है। छाती दादाजी तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बोलो। क्या हो रहा है? कोई क्या हो रहा है ये? कुछ कोई कुछ फोन करके मना करना होगा कि यहाँ नहीं है। शारदा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? तो लेते हैं गुड़ा लेके आला। सॉरी व्हाट यू सेइंग द स्टेप। कैसा हूं ये तो पता नहीं मगर शारदा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? कैसा हूं ये तो पता नहीं मगर एक बेटी का बाप हूं ये जरूर पता है। और अभी अभी मुझे ये भी पता चला कि मेरी बेटी ख्याति आपके भतीजे विशाल। ओके तो नैना एक बार अभी एनके की कन्वेंसिंग करने की कोशिश कर रही है कि शायद वो मान जाए, अपनी बेटी के लिए मान जाए। किस तरह से? जी मुझे अभी भी पता चला है, ख्याति ने बताया कि वो एक्चुअली दीदी ने बताया कि ख्याति के लाइफ में कोई और लड़का, और फिर मैंने ख्याति से बातचीत की और पता चला कि वो विशाल से प्यार करती है, विशाल भैया से। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, पर ऑब्वियसली हिम्मत चाहिए थी ये बात आकर इनके को बताने के लिए। तो मैं ख्याति को लेकर आती हूँ, एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ख्याति खुद बताए, बट ऑब्वियसली नंद किशोर के सामने सब चुप हो जाते हैं और ख्याति भी चुप हो गई। तो मैंने खुद ये बात पापा को बताई, नंद किशोर को बताई, और उसके बाद हम बहुत डरे हुए थे रिएक्शन के लिए, बट फॉर अ चेंज उन्होंने सीधा शारदा जी को कॉल किया, मम्मा को कॉल किया और उन्हें बुलाया है मिलने के लिए। तो फिलहाल तो हमें यही लग रहा है कि सब अच्छा होगा और वो भी इस रिश्ते के लिए हाँ ही कह रहे हैं। तो मिलने के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस तो हम देख ही चुके हैं जी, क्या हुए जी। एक्चुअली बाद वाला सीन पहले शूट हो गया, तो हाँ मिलने के बाद तो मतलब एकदम जैसे कोई अपना मास्क उतारते हैं और इनके बहुत इंसल्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करते हैं मम्मा को और विशाल को। तो ये सब सिर्फ नाटक था, इनके का तरीका था और भी ज़्यादा ह्यूमिलिएट करने का, पहले खुशी दे दी और फिर बाद में इतना बड़ा झटका। तो भाभी सुना है हमने कि लेके जाने वाली है कुणाल और मेघना से मिलाने के लिए। जी मेघना ये बात सुन रही थी और ह्यूमिलिएशन देखती है, तो वो बोलती है कि मैं खुद ये शादी कराऊंगी, लेकर जाऊंगी। बट आई डोंट थिंक वो भी बिल्कुल सही तरीका है उस चीज़ को करने का, क्योंकि एक बेटी और बाप का, बेटी और पिता का रिश्ता ख़राब होता है। तो नैना तो ये चाहेगी कि सब कुछ अच्छे से हो, लेट्स सी कि होता क्या है। क्या एक्चुअली हम सब यही चाहते हैं कि ख्याति और विशाल साथ में। थैंक यू सो मच, वेलकम। थैंक यू।